में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पुलिस के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चल रहे थे, जिसका कवरेज के लिए एक निजी चैनल के पत्रकार वीडियो बनाने लगे। पत्रकारों की निष्पक्षता को देख नाथनगर थाना में पदस्थापित SI आनंद किशोर ने पत्रकारों की कैमरा छीनने के प्रयास की। पत्रकारों के द्वारा कैमरा नहीं देने पर दबंग SI हाईकोर्ट के कानून को ताक पर रखकर पत्रकारों के साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। आखिर सवाल ये उठता है कि खबर कवरेज करना पत्रकारों का भी अपराध है, तो बिहार के मुखिया नीतीश कुमार और सूचना प्रशासन मंत्रालय लिखित रूप से न्यूज चैनल और न्यूज पेपर पर पत्रकारों को काम करने से रोकते, क्योंकि यहाँ निष्पक्षता दिखाने पर पुलिस बौखलाहट में आ जाती है। SI आनंद किशोर के साथ साथ चेकिंग अभियान में नाथनगर थाना प्रभारी महाश्वेता सिंह भी मौजूद थे, लेकिन थाना प्रभारी ये सारा वारदात को देखकर खुद पीछे हट गए और पत्रकारों के साथ जमकर SI ने मारपीट की। पीड़ित पत्रकारों के द्वारा भागलपुर के सीनियर SP नीताशा गुड़िया को इनकी जानकारी थी। नीताशा गुड़िया ने लिखित आवेदन देने की बात कही। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि अब एक पत्रकार को मारने वाले SI और थाना अध्यक्ष पर कब तक कार्रवाई होंगे। भागलपुर जिले नाथनगर थाना क्षेत्र में दोगच्छी बाईपास है, वहाँ कवरेज में कर रहा था, वाहन जांच चल रहा था, मास्क जांच चल रहा था। वहाँ कवरेज करने के दौरान SI आनंद किशोर ने हमसे बदतमीजी किया, गाली गलौज किया और कोई कहा सुनी नहीं, डायरेक्ट वो गाली गलौज देते हुए मारना शुरू कर दिए। कितना भी पुलिसकर्मी भी दो चार बोले कि भाई प्रेस से है, छोड़ दीजिए, काहे ऐसे कर रहा है, लेकिन उन्होंने किसी का बात नहीं सुना और हमें मारा। मारने के दौरान मेरा कैमरा भी छीन लिया गया, माइक ID भी और ID तोड़ दिया गया है, टूटा हुआ ID है, यही ID है हमारे पास जो कि तोड़ दिया है, कैमरा लेके चल गया है। आखिर 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।